तुम चाकू लेके क्यों चल रहे थे? कोई मारेगा तो डाल देगा। कोई मारेगा तो डाल देगा? हाँ। पता है ना पुलिस पकड़ ली जाती है डालने के बाद। पुलिस को डाल देगा। आपने देखा है भालू कहाँ पे आता है? यहाँ पे पहाड़ पे आता है। हाँ 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 इधर आता है भालू। क्या नहीं आया तो इधर जा सकते, खतरा नहीं है। रास्ते में बैठ सकते हैं, इधर उधर झाड़ियों में, झाड़ू में ना जाओ। ठीक है, जैसे सामने तो बैठ सकते हैं। अच्छा अच्छा, no, that's the, this is natural beauty. But I'm saying from where, from which city or which country you are? Where from here? I stay Dharamsala. अच्छा, you stay in Dharamsala. Yeah, 22, 23 years ago. Okay. 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 Exactly from? The, basically, you belong from Tibet. Tibet. Okay. Refuge. Okay. Refuge. Where from? I'm from Mumbai. Bombay. Hmm. Yeah, I have 2004. I visit Bombay. Mumbai. Mumbai. Very good. तो ये पहाड़ भी किसी का जमीन है? ये पहाड़ भी सर ना, तो पहाड़ों में भी ये जो पूरा पहाड़ है किसी ना किसी का जमीन है। ये सरकारी है ना, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट से खरीदना पड़ता जमीन? गवर्नमेंट भी खरीदना पड़ता। अच्छे से रहते वो लोग, तिब्बती लोग? तिब्बती लोग सीधे होते हैं ना, सीधे लड़ाई वड़ाई नहीं करते, सीधे होते ना। अच्छा, डरते हैं, बोलते कुछ नहीं है, डरते हैं। फिर ऐसे बोला जाता है उनको, कौन छोड़ दे, सब मारेगा नहीं, हमारा भी मार देगा। गांव वाले मारते हैं क्या उनको? गांव वाले मारते हैं खाद में, फिर छोड़ेगा इनको, घर दफा हो जाओ यहाँ से। तो किसी बोलते नहीं किसी को, लेकिन रहे तो किराए पर रहे, नहीं तो अपना पैसा लगाओ बना लो, ऐसे रहते। फिर सरकार ये ना ऐसे मकान बनाए ऐसे रहे। अच्छा, ऊपर तो चढ़ाए, अभी मार्केट की तरफ जाते हुए चाय पियेंगे, चाय नहीं पिया सुबह से। तो कल देख लो क्या हो रही है, खाली पीली सड़क खड़ लो रही है, तभी मार्केट में जाएंगे। यहाँ पे भालू वालू आता है क्या? आपने देखा है? इधर भी आ जाता है? कल आए थे? बाबू निकल रहे हैं। परसों आए थे? सुबह कि सुबह आते कि रात को आते हैं? अभी नहीं आते? खींचा? एक फोटो खींचा बाबू। हाँ, फोटो खींचा आपने भालू का? देख सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं नहीं, फोटो देख सकते हैं भालू का, वो जो खींचा आपने। अच्छा, पहले खींचा होगा। अच्छा, हाँ तो इधर भी ये रास्ते में भी आ जाते भालू। ठीक है, चलो नमस्ते। तो वापस कुछ लोग मिले जो बोले भालू आते हैं भाई, ये तिब्बती लोग नहीं डरते। तिब्बती लोग बोले भालू भालू कुछ नहीं, हम तो यहीं तपस्या करेंगे जाके। लेकिन लोकल कह रहे भाई भालू आते बच के रहना। तुम कहाँ से आए हो? चलो ऊपर मकलोडी जा रहे हैं, आ जाओ। हाँ वहीं पे बक्सू है, आ जाओ। ये क्या पकड़ के ले जा रहे हो? मच्छी? मेंढक के बच्चे। कहाँ मिले? खाते हो ये? फिर पता है तो तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? मम्मी कहाँ है? मम्मी पापा? मम्मी पापा? हाँ, तुमने यहाँ क्या करना है? भालू खा जाएगा, चलो सीधे चलो। हाँ बक्सू है, आ जाओ। तो ये रास्ते में छोटे छोटे दो बच्चे मिले, ये बच्चे ये लोग खो गए, इनको बक्सू जाना है। तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए थे? हाँ, तो यहाँ नीचे क्या करने आए थे? चलो
तुम लोग को छोड़ देते हैं, चलो आओ। जंगल है ना, भालू घूमता है यहाँ पे। मत आना दोबारा, ठीक है? ठीक है, भालू खा जाएगा। भालू है, जानवर है। हाँ ऐसे मत आना, ठीक है? हम लोग इतने बड़े हैं, तब भी डर रहे हैं। और तुम यहाँ खोल रहे घूम रहे हो? गुजरात के यहाँ क्या करते हो? नीचे तो नहीं मांगते यहाँ पे मम्मी पापा? चलो चलो भैया, बक्सों को पता नहीं ऊपर है। तुम चाकू लेके क्यों चढ़ रहे थे? कोई मारेगा तो डाल देगा। कोई मारेगा तो डाल देगा? पता है ना पुलिस पकड़ ले जाती है डालने के बाद। पुलिस को डाल देगा? हाँ पीछे से, पीछे से डाल देगा। ऐसे चाकू लेके नहीं घूमनेगा, ठीक है? संभाल के लाओ इधर, लाओ। हाँ उसके पॉकेट में दे दो, रख लेगा। हाँ उसको, ये हिंदुस्तान एक ये है और एक हिंदुस्तान ये है, इसी को हम दिखाते हुए चल रहे हैं। दो नए खूंखार दोस्त चाकू लेके चल रहे, भालू से ये बचाएंगे हमको। भालू से बचा लेंगे, भालू से बचा लोगे ना? हाँ तुम लोग पिक्चर में आओगे। अमित और रोहन, अमित नाम के लड़के तो होते ही खतरनाक है। एक को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। चाकू देने तुम्हारे चक्कर में हमको पुलिस ना डाल दे, डाल लेगा। उसके जेब में रख। ये मैक्लोडगंज मार्केट जाएगी, उधर से बक्सुनाथ है ना? बक्सुनाथ सीधे ऊपर। भाई बच्चों तुम्हें यूं जाना है ऊपर, ये खो गए बच्चे दो जंगल में मिले। कहाँ गए थे हम? वो दूर में गए थे, वो दूर से अभी यहाँ आगे चलते चलते। तो रास्ते में जो दो छोटे बच्चे मिले थे ना, तो बेसिकली वो खो ही नहीं थे। क्या बोले, छोटे बच्चे हैं, जो देखते हुए आते हैं वही सीखते हैं। तो ये छोटे छोटे जो स्कैम होते हैं ना, ये टूरिस्ट प्लेस में आपको मिलेंगे, आपको टूरिस्ट को पकड़ लेंगे, हम खो गए, हमको खाना दे दो, हमको यहाँ छोड़ दो, आप पैसे दे देते हो, आप चीज़ें दे देते हो, गिफ्ट दे देते हो, उन पर तरस खा के हाथ में चाकू भी लेकर चलते हैं आपको जैसे मैंने दिखाया। तो मैंने जानबूझ के उनको बोला कि चलो, मैं उसी समय समझ गया था कि ये मतलब कोई खो ही नहीं है, ये बच्चे ऐसे ही खेल रहे हैं। मगर मैंने कहा चलो जहाँ चलना चलो, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हिंदुस्तान के कोने में देखने को मिलती है। और सतर्क रहना है, लेकिन उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, सवाल यह आपसे है कि उसका कारण क्या है, ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? आप सोचिए क्यों कारण है। यूट्यूबर है, तुमको पता है यूट्यूब क्या होता है? देखते हो यूट्यूब? कह रहा है कि भैया मेरे को लग रहा है आप यूट्यूबर हो। ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में मैक्लोडगंज। छत की हालत खराब हो गई हमारी, एकदम थक से गए। हाँ देख रहे हो गला सूख रहा है। What class you are? 3. Class 3? What's your school name? Vicky Magan Milop. Bye. Bye bye. वो फ्लैग है क्या छोटे वाले? कार में लगाने के लिए। वीडियो बंद कर दूं? ये तो मैंने तिब्बती शॉप से अभी वो सारी चीजें ली, छोटे छोटे झंडे। मेरा दोस्त सैंडी है जो मेरे साथ ऑफिस में कलीग है, उसने बोला था कि यार वो झंडे ले आना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो झंडे ले लेता हूँ। मिल गए, लकली दिख गया मुझको। तो क्लीन से हो गया ना, चाइनीज़ दिख रहा था और अभी एकदम प्रॉपर वापस एकदम उबला हुआ अंडा दिखने लगा। ये दलाई लामा इधर ही रहते हैं क्या? इसी टेंपल पे रहते हैं, तो वो निकलते नहीं है बाहर।
और वो क्या है? वो क्या है? किस चीज से बनता है ये? आटा से बनता है जी। आटा से? हाँ जी। अच्छा, एक बार खा लो। आके खाऊंगा, खाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद खाऊंगा, अभी कुछ खा के आया इसलिए ट्राई, वो ट्राई करूंगा वो। हाँ ये ट्राई करूंगा। तो मैं छीला हुआ अंडा जैसा लग रहा हूँ, वो बात अलग है, लेकिन ब्लॉगिंग तो करनी है। काफ़ी देर से हम लोग घूम रहे थे मार्केट में, देख रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे पता चला कि लाई लामा की सिक्योरिटी में इंडियन आर्मी नहीं है, तिब्बतियन आर्मी भी उनको सिक्योर करती है। अमेजिंग है, ऐसा लगता है, मतलब कभी फील होता है कि दलाई लामा जो है ना, वो मक्लोडगंज के किंग है, किंग जैसा रहता है भाई, एकदम किंग जैसा। तो लास्ट के कुछ ही पल बचे हैं और हम लोग मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर अभी होटल जाएंगे, बैग उठाएंगे, बस पकड़ेंगे और चट्टा बाय बाय, छुट्टी ख़त्म, ट्रिप ख़त्म, वापस काम शुरू। लेकिन मज़ा आ रहा है भाई, लास्ट के कुछ पल भी इंजॉय करते करते मज़ा आ रहा है। तो बाय बाय धर्मशाला मक्लोडगंज, अब मिलते हैं जल्दी दूसरे ट्रिप में, नई मंजिल पे। हम पहाड़ों से चढ़ते हुए जा रहे हैं ऊपर की तरफ, वहाँ समय हमारी वो मिलेगी, गाड़ी मिलेगी। तो फाइनली मैं और ग्लेन छुट्टी ओवर, दिल्ली के बस में बैठ गए, और ये बस हमने पेटीएम के थ्रू बुक किया था, जिंग बस है और नॉट सो एक्सपेंसिव, ठीक ही था। फिलहाल कल मॉर्निंग दिल्ली, ग्लेन भाई निकल जाएंगे लखनऊ के लिए और मैं निकल जाऊंगा मुंबई के लिए। दोपहर की फ्लाइट है मेरी इंडिगो से। कैसा रहा ग्लेन एक्सपीरियंस छुट्टी का? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया हम लोग। लग रहा जल्दी ख़त्म हो गया ना छुट्टी, 10-12 दिन में इतनी जल्दी ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा था कि बस चलते जाए चलते जाए। सही बात है, लेकिन पहाड़ों छुट्टी खत्म, वंडरफुल एक्सपीरियंस था ये हम लोगों का, मज़ा आ गया। तो दिल्ली हम पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी नाश्ता करने चांदनी चौक, और उसके बाद वहां से जाएंगे न्यू दिल्ली स्टेशन, ग्लेन भाई निकल जाएंगे लखनऊ के लिए और मैं निकल जाऊंगा मुंबई के लिए, फ्लाइट पकड़ लूंगा। दिल्ली तो लगता है दूसरा घर है अपना, जब भी आओ दिल्ली आओ हर चीज़ के लिए। तो ये भैया जी ने हमें ड्रॉप किया यहाँ पे चांदनी चौक पे, और फिलहाल हम यहाँ से कुछ खाना एक्सप्लोर करेंगे और फिर वहाँ से मुंबई के लिए निकलेंगे। मैं और ग्लेन सिर्फ नाश्ता करने के लिए आए हैं यहाँ पे, और एक चाय वाला हम लोग को दिख गया है, तो फिलहाल हम वहाँ जाएंगे चाय वाय पियेंगे, दिल्ली आके अच्छा लग रहा है, ठंडी इतनी नहीं है, मज़ा आ रहा है। चाय पी लिया, चाय हमने पी लिया और अब हम छोले भटूरे ट्राई करेंगे। सामान भी लिए हुए हैं और साथ साथ घूम भी रहे, सामान छोड़ नहीं सकते थे भाई। दो प्लेट भटूरे, ये क्या कहते हैं स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट शॉप नाम है, छोले भटूरे ट्राई थे और यहाँ बना मनाली से मैं बड़ा बॉयल खाना मिलता था, यहाँ थोड़ा मसालेदार खाना मिला तो मज़ा आया खा के। तो अब थोड़ा चांदनी चौक एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद मुंबई के लिए निकलेंगे। तो बैग वैग लेके हम चांदनी चौक एक्सप्लोर कर रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं और 10 बजे से पहले मार्केट खुलेगा नहीं, तब भी स्टिल किधर उधर घूम रहे हैं, देखते हैं क्या है कैसा चीज है।
तो मेरे पीछे ये गुरुद्वारा है चांदनी चौक का फेमस, और मेरा बैग फट गया, हम बैग फट ढूंढ रहे हैं कि बैग सिल दे यार उठा के। तो वो दादा ने मेरा बैग सिल दिया, मुझे कोई लोड नहीं है, लैपटॉप पड़ा हुआ है, मुझे लग रहा था लैपटॉप गिर जाएगा टूट के। यार मेरे बाल बहुत छोटे कर दिए यार मैंने एक मकलोडगंज में बाल कटवा लिए, अभी बड़ा छोटे से मेरे बाल कट रहे हैं, मेरे को अजीब सा फीलिंग आ रहा है, मुझे पूरा ऐसा लग रहा है मैं उपला अंडा हूँ पूरा। मैं और ग्लेन भाई ऐसे ही भटक रहे, कुछ सारी दुकानें बंद है, हमने सोचा चांदनी चौक आ जाते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ा मार्केट घूम लेंगे बोर्डिंग करने से पहले, लेकिन सारी दुकानें तो बंद है। तो फाइनली हमारे सफ़र का एंड हो रहा है, ग्लेन भाई यहाँ से लखनऊ के लिए निकल जाएंगे और मैं यहाँ से मेट्रो पकड़ूँगा एयरपोर्ट एक्सप्रेस का, और उसके बाद मैं मुंबई चला जाऊँगा। तो दिल्ली एयरपोर्ट में आ चुका और अब मुंबई के लिए फ़्लाइट पकड़ूँगा, और फिलहाल मुंबई के लिए जा रहा हूँ, और यहीं से हमारी सीरीज़ का एंड होता है।